What is interpretation? To know the intention of the legislature is called the interpretation. तो हमारे सामने एक layman का definition जानने की कोशिश करते हैं कि जब layman को कहा जाता है कि general common parlance में interpretation का मतलब क्या है? अगर मैं आप लोगों के सामने एक शब्द रख दूं कि interpretation क्या है, okay? तो हमारे सामने ये पहला है, in layman terms, interpretation of statute means the process. इंटरप्रिटेशन क्या है? एक प्रोसेस है. ओके, कौन करेगा इस प्रोसेस को अप्लाई, कौन करता है? इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है इंप्लॉयड बाय जुडिशरी. कौन अप्लाई करती है? जुडिशरी. क्या पता करने के लिए? एसर्टेन द मीनिंग ऑफ द लीगल. तो क्या पता करने के लिए? एसर्टेन करने के लिए. क्या मीनिंग? किस चीज का? जो आपके लॉ लीगल प्रोविजंस, मतलब लॉ ना. ओके, लेकिन वो कैसे पता करेगी? By ascertaining the intention of legislature. किसी भी law के provision का meaning कैसे बता सकते हैं जब तक आपको intention नहीं पता चले legislature का? Can you tell me the meaning of the word unless and until you know my intention? क्या आप लोग किसी भी word का meaning बता दोगे मेरे द्वारा use किए हुए जब तक मेरा intention नहीं पता? ये सुनो. So remember this point. जैसे अगर abuse की बात की जाए तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा abuse हमें किसने दिया होगा? हमारी माँ ने. Okay, तो मम्मी ने या पापा ने. But now try to understand. क्या उस वर्ड्स का आप ट्रू मीनिंग पता करने के लिए उनके इंटेंशन को देखोगे कि नहीं देखोगे? उनका इंटेंशन बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है. तो इसलिए हमने उन गालियों को कभी जो है दिल से नहीं लिया. उसी तरीके से अगर आप बिहार और यूपी में जाएंगे तो वहां पे शादी पे एक रस्म, एक कस्टम है, और वो बहुत ही डेंजरस कस्टम है. और वो कस्टम यह है कि जब बारात आती है वहां पे दरवाजे पे, शायद इधर हरियाणा में दिल्ली में है कि नहीं, जब बारात वहां दरवाजे पे आती है तो वहां की जितनी भी उस फैमिली की महिलाएं होती हैं सब मिलके उसे गाली देते हैं, उस लड़के को और उसके पूरे परिवार वालों को. ओके, एंड यू वॉन्ट बिलीव. एंड गाली का लेवल, जो एब्यूज का लेवल है, वो बहुत नीचे नहीं होता. आपके सोच से बहुत ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे वो एब्यूज किया जाता है उन्हें, और दे आर लाफिंग. तो बाकी अगर कोई वेस्टर्न से आके देखे तो बोले दे हैव लॉस्ट देयर कंसाइंस. इनके खून में अब वो बात नहीं रही, कुछ बात ही नहीं दिख रही है, और दे आर ऑल लाफिंग. क्यों? क्योंकि वो भूल गए कि हमें उन वर्ड्स का मीनिंग पता करने के लिए हमें उसके इंटेंशन को देखना होगा कि उनका इंटेंशन क्या है. क्या उनका इंटेंशन लिटरल सेंस में उन्हें गाली देना है? नहीं, इट्स जस्ट अ पॉइंट. गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस लाइन. और वहां पे कुछ कुछ ओके जो लड़के वाले होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो आईओएस नहीं पढ़े होते. गेटिंग द पॉइंट? अगर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ के जाते तो ऐसे बारात में कभी गुस्सा नहीं करते क्योंकि उनको पता था कि इंटेंशन इसके पीछे वो देख ही नहीं रहे, वो लिटरल सेंस में मीनिंग देख रहे हैं. ओके, जबकि आपको देखना है कि इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर का. यहां लेजिस्लेचर है वो वुमेन जो आपको गाली दे रही है. गेटिंग द पॉइंट? सो ये कि उनका जो है कि उनके किस सेंस में उन्होंने उन शब्दों का यूज किया. तो लॉ हर जगह है, बस ऑब्जर्व करने की देर होती है. तो हम लोग वहां से भी इस पॉइंट को मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे आप, हाँ, राम, भगवान श्री राम को भी जो है गाली दी गई थी जब वो मां सीता के लिए बारात लेके गए थे.